शो दैट द सीक्वेंस SN, SN एक सीक्वेंस हमें दिया गया है SN इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल t अप टू 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1। SN को हमें कन्वर्जेंट दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो SN एक सीक्वेंस है, अगर हम दिखा सकते हैं कि सपोज एक सीक्वेंस मान लो UN एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम SN है। अगर UN अगर कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब SN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा सीक्वेंस हम UN फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल 3 है ना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 3 है, मीन्स 6 है। अच्छा दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 4 मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है। फैक्टोरियल 3 जो है वो 2 स्क्वायर से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 बाई फैक्टोरियल 3 इज लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा इसके बाद फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 24। अच्छा ये जो 24 है दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 8, अब 8 इक्वल्स टू है 2 क्यूब, तो दिस इम्प्लाइज 1 बाई फैक्टोरियल 4 इज लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 क्यूब, ओके। सिमिलरली 1 बाई फैक्टोरियल 5 इज ऑल्सो लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, ओके। अच्छा अब दिस इज लेस देन फ्रॉम क्या होगा, अच्छा 1 यहाँ पे है तो 1 को 1 ही लिख दो, 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, तो इसे मैं 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 को मैं 2 ही लिख देता हूँ, 2 टू द पावर 1। अच्छा प्लस अब देखो 1 बाई फैक्टोरियल 3 ये क्या है, लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई फैक्टोरियल 4 इज लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 क्यूब, ओके प्लस अप टू 1 बाई, अब देखो 1 बाई फैक्टोरियल 5 इज लेस देन फ्रॉम 1 बाई 2 टू द पावर 4, तो 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इज लेस देन फ्रॉम क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये जो देखो ये एक जीपी सीरीज है, ये एक जीपी सीरीज, इस 1 को आप छोड़ दोगे अगर तो ये एक जीपी सीरीज है, ठीक है। तो इस जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब अप टू 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 2, सॉरी ये पे फैक्टोरियल नहीं होगा, n माइनस 2 होगा। अच्छा तो ये क्या होगा 1 प्लस, अच्छा जीपी सीरीज यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 इंटू, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हाफ को 1 से डिवाइड करोगे तो होगा हाफ, 1 बाई 2 स्क्वायर को 2 हाफ से डिवाइड करोगे तो होगा हाफ, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे हाफ, तो हाफ माइनस 1 एंड यहाँ पे हाफ माइनस 1 एंड हाफ टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 अप टू n माइनस 2 n माइनस 2 एंड यहाँ पे और एक टर्म है, तो n माइनस 2 प्लस 1 मीन्स n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 एंड हाफ माइनस 1 होगा माइनस हाफ, तो दिस इक्वल्स टू 1, अब ये हाफ जो है वो ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस 2 इंटू, अब यहाँ से माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस हाफ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या होगा हाफ टू द पावर इन्फिनिटी, अब ये हाफ क्या है, हाफ जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है,
अगर कोई भी नंबर 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका अगर पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 पे टेंड करेगा, तो हाफ जो है वो 0 पे टेंड कर जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0, ओके, तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मीन्स 3। अब ये जो सिक्वेंस है SN, SN से बड़ा एक सिक्वेंस हमने UN लिया है, UN क्या है, ये सिक्वेंस हमने लिया है, ये मान ली एक सीरीज ही है, तो ये जो सिक्वेंस इस सीरीज ये जो सीरीज है वो 3 पे टेंड कर रहा है, तो ये UN सिक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इसका वैल्यू हो रहा है 3, तो इसका मतलब इस सिक्वेंस का लिमिट हो रहा है 3, तो इसका मतलब इसका एक फाइनाइट लिमिट हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो सिक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सिक्वेंस है, UN कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब SN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब SN जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है।